हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सोमवार है और सोमवार को रहता है मेरा व्रत, तो आज प्रॉपरली मैं घर पे ही हूँ। मैं जो व्रत कर रही हूँ वो मुझे घर पे रह के ही करना है। इससे पहले सोमवार को नवरात्रि थी और मैं कर नहीं सकती थी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी। और इससे पहले मैं कल्याणपुर थी, तो मेरे बहुत दो व्रत मेरे मिसिंग चले गए बीच में। मैं अभी हो रही हूँ रेडी, नहा लिया है मैंने, अभी मेरा स्किन केयर कर रही हूँ, टोनर लगा दिया है। टोनर जब तक सूख रहा है तब तक कुछ आपसे बातें कर लो यूँ करके। तो अभी चिकू भी नहाने चले गए, चिकू जैसे ही आते हैं इतने में मैं मेरी पूजा की थाल रेडी कर देती हूँ और फिर चलते हैं मंदिर। महादेव जी का पूरा परिवार है, ये शिव जी, ये पार्वती जी के हस्त का वाला हाथ है, इसके बाद ये गणपति जी, ये कार्तिक स्वामी और इनकी लड़की अशोक सुंदरी। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर जाके घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद आज मेरे तो व्रत है, मुझे खाना नहीं है, मैं शाम को व्रत खोलूँगी। सो इसीलिए अभी बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ यहाँ पर दाल और चावल भिगा दिए, अब आटा गूंद देती हूँ। और सफाई हो रही है तो सब जगह पे बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो काम वाले भैया वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सब जगह पर खेतों में काम आ चुका है, इसलिए सारा काम डिले हो रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया, जैसे कि यहाँ हॉल बाकी है थोड़ा सा, सारे दरवाजे साफ़ करने बाकी हैं, बाहर आंगन में भी बाकी है नीचे की तरफ, इतने सारे काम रहते हैं दिवाली। और अभी करवा चौथ भी आने वाली है, तो करवा चौथ की भी तैयारियाँ बाकी है, अभी बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ट्यूटोरियल भी मेरा करवा चौथ पर आना बाकी है, तो आई होप मैं आज नहीं तो कल बना ही लूँ, क्योंकि 13 तारीख को करवा चौथ है और आज 10 हो चुकी है। और करवा चौथ ऑफर स्टार्ट हो गया है शॉप पे, तो रोमा मेकअप स्टूडियो आप इंस्टा पर सर्च करके देखना, उसके ऊपर मैंने जो भी ऑफ़र स्टार्ट हुआ है रोमा मेकअप स्टूडियो पर वो मैंने अपडेट कर दिया है, तो उस ऑफ़र का आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप चेक करते हैं तो, जो मेरे कॉन्टैक्ट में उनको तो पता चल ही गया होगा। तो अभी कुछ कर लेते हैं घर के काम और फिर जल्दी से जाते हैं शॉप पे, क्योंकि नेहा भावना दोनों आ रही हैं, रोशनी थोड़े काम से बाहर गई हुई है तो वो नहीं आ पाएगी, इसीलिए चलिए फटाफट से काम निपटते हैं और फिर फटाफट से शॉप पे जाते हैं। लंच बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप पे कस्टमर आ गए, अभी तक कोई भी आया नहीं है, रोशनी तो है नहीं, हालाँकि रोशनी आ जाती है मेरे को इतना भागना नहीं पड़ता है, 12:30 भी हो गई तो कस्टमर वेट कर रहे हैं। पूरा दिन शॉप पे कस्टमर थे तो उन्हीं के साथ निकल गया, और साथ ही साथ आज हमने करवा चौथ की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि करवा चौथ के अब क्लाइंट्स भी स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए तो ये आज हमने गिफ्ट सारे सजा के रख दिए, थोड़े गिफ्ट्स पैक करके अंदर भी रखे हुए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, हाँ 5:30 हो रही है, तो अब घर पर जाती हूँ और शाम को भी मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने की भी तैयारी करती हूँ, चिकू को फ़ोन लगा देती हूँ मुझे लेने आ जाओ। और कल मुझे थोड़ा जल्दी आके ट्यूटोरियल भी बनाना है, क्योंकि कल के दिन भी क्लाइंट्स रहेंगे और मेरा ट्यूटोरियल भी टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है, वही तैयारी मुझे करनी है घर जाके। आज जल्दी जा रही हूँ घर पे, तो थोड़ी चीज़ें वगैरह भी मेरे निकाल दूँगी जो काम की चीज़ें हैं वो। अब घर आ गई हूँ, एक बार नहा लेती हूँ और फिर मेरी पूजा की तैयारी करती हूँ और फिर मंदिर जाऊँगी। मैंने नहा भी लिया है और मेरी पूजा की थाल भी मैंने रेडी कर ली है, ये रही मेरी पूजा की थाल कुछ, अब इसको लेके मंदिर चलते हैं और चिकू को भी बुला देती हूँ, वही मेरे को लेके जाएंगे। मंदिर जाके मैं आ गई हूँ और यहाँ पर हमारे मिट्टू का भले बड़ा कितना भी पिंजरा लाए, तो अभी इनको ऊपर चढ़ के ही बैठना है, और अंदर पूरी सीढ़ी तो आधी कर दी है और झूला भी लगभग टूट चुका है, सब कुछ यानी तोड़ने पर ही तुले हुए हैं। अभी मैं बना रही हूँ खाना, मम्मी सब्जी बना रही है एक तरफ और मैं एक तरफ रोटी बना रही हूँ। अरे चिंकू, चिकू इनके ये निकाल दो, कहीं चोच वोच टूट गई ना इसके, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ
क्योंकि इनके खाना ज्यादा चाहिए। कहा किसके हुई गाड़ी दे बेटा ने दिया पे से आए तो लगा दे कहा हुई टेडी सीधी तो है बताओ मई है मई नहीं देखी जो नीचे वाली चोंच से चिकू करे जो वो जो ओ बानने तरफ वाली की है हां नहीं मिट्टू तेरी चोंच ना चोंच पर तो थोड़ी देंगे जो और तो पक गई थी की है और तो काट दी थी सॉस तो नहीं ले वो था कैमरो फिनिशिंग चल रही है नहीं अभी आधा वो कर दिया इन्होंने अभी ये खा रहा है सॉस टेढ़ी थी की मैली सही निसली वाली कटलू अर्धो पकजी तोड़ दी दो जो तो एक काम करना दे नींबू लगा भी दे या के करेला में पानी लगा दे पूरा लकड़ा में तो कड़वू लगा दे पड़े ये बस कर एलोवेरा लगा दे पड़े हां एलोवेरा रख दे वो चीज मत लगा ही दे बस खेंगस नहीं खेत तो नहीं दिए चोट तोड़ लकड़ा में भी कर दे ये काम चल गया लेमड़ा पीछे ने लेमड़ा सुपड़ी दे हां अजय भी है क्यों इनको के यहां बेटा और सुपड़ी दे वो सब बेती दाड़ा मैं हंस। तो फ्रेंड्स मेरा व्रत हो चुका है और मैं अभी यहाँ पर रूम में आके बैठी थी। तो कल रात को क्या हुआ था कि हमारी एसी ठंडा नहीं कर रही थी अच्छे से, तो चिकू को मैं बोल रही हूँ क्यों ना एसी क्लीन कर दो, पूरे रूम में मिट्टी बहुत उड़ाई है। पूरा रूम क्लीन किया तो हो सकता है पूरे रूम की मिट्टी जाके एसी में जम गई है, फिर बहुत टाइम भी हो गया क्लीन किया नहीं है। तो अब इसके फिल्टर्स क्लीन कर देते हैं ताकि जो हवा है वो मस्त ठंडी ठंडी आएगी। तो चिकू अभी टेबल लेने गए, ये टेबल लेके आएगा। अब ये टेबल यूं करना यही रहने देना, मैं पर्दे भी लगा दूंगी अभी। आज पर नहीं लगा दो। अरे रही जाते हैं रोज नहीं दूंगी तो नहीं अभी तो साफ किया था कुछ टाइम पहले। फिर कूलिंग कम क्यों हो गई? पैक हो गई। पैक हो गई है, गंदी कम है लेकिन मिट्टी से पूरी पैक हो गई। मिट्टी से पूरी पैक हो गई। ठीक है तुम खड़े ऊपर ही रहो, मैं ले आऊंगा। पैक है अब, फ्लो ज्यादा हो गया। लो ये क्लीन कर लो। सही हुई है? सही जा रहे हो। ओके रेडी। ओके रेडी। अब ये पीछे मैं सारे पर्दे डाल देती हूँ। अब मेरा कैमरा यहाँ ये मेरे घर आती है, इसको लगता है कि रोज चाची इसके साथ लेके आई है, सब खाना बनाएगी। छोटा बाबू कहाँ है? छोटा बाबू है कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? छोटा ऐसे ऐसे है कैसे कैसे ऐसे ऐसे कौन करता है ऐसे? तो फ्रेंड्स अभी मैंने जैसे ही रूम में पर्दे वगैरह लगाए, फिर मैं आज पूरे दिन से हिमायरा से मिली नहीं थी। हिमायरा भी बाहर गई हुई थी। बेटा इधर देखो ना, इधर हिमायरा भी बाहर गई हुई थी। तो मैं हाँ देखो नाखो। तो हिमायरा को मैं मेरे साथ ही लेके आ गई। और अभी क्या टाइम हो रहा है सोच सकते हो, 10:30 बज रही है। इसको मेरे घर आना था, इसको इसके स्पेशल इसके चाचा से मिलने की आई है। तो आप चाचा को कैसे बुलाते हो बता दो? चाचा को क्या बोलते हैं? प्याले चाचा है। तो अभी हमारी इसके साथ वैसे ही मस्ती चालू ही रहेगी। चिकू भी खेलेंगे, मैं भी खेलूंगी। और यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ओके बाय बाय बाय। Bye.
ऐसे बाय बाय ऐसे ऐसे।